सकरदरा पुलिस ने चोरी के एक मामले में एक शातिर चोर को हिरासत में लिया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी से चोरी की चार दोपहिया समेत कुल 1,30,000 रुपए का माल जब्त किया। मिली जानकारी के अनुसार बड़ा ताजबाग सकरदरा निवासी शमीम बेगम शेख इकबाल के घर से किसी अज्ञात आरोपी ने उनका मोबाइल फोन चुरा लिया था। जांच में पुलिस को पता चला कि इस चोरी की वारदात को दिगोरी निवासी साहिब खान शाहिद खान ने अंजाम दिया है, जिसे तुरंत हिरासत में लेकर जब जांच की तो उसने मोबाइल चोरी की वारदात को अंजाम देने की कबूली दी। कोर्ट में पेश करने के बाद आरोपी का पुलिस कस्टडी रिमांड लिया गया। इसमें जब उससे और पूछताछ की गई तो उसके पास चार अन्य दोपहिया वाहन मिली है, जिन्हें भी आरोपी ने शहर के विभिन्न पुलिस थाना क्षेत्रों से चुराया था। पकड़े गए माल की कुल कीमत 1,30,000 रुपए है। इस कार्रवाई को पुलिस निरीक्षक शुभांगी देशमुख के मार्गदर्शन में पुलिस हवलदार राजेंद्र यादव, सिपाही पवन कुमार लांबट, सिपाही रोहन चौधरी ने मिलकर अंजाम दिया है। उसका मामला ऐसा है कि पुलिस थाना सकरदरा में 84/21 अपराध क्रमांक तहत एक मोबाइल चोरी का गुना दाखिल किया गया था। मोबाइल चोर साहिब खान ये जो चोर है, इसको हमने पकड़ा था। उससे हमने मोबाइल भी रिकवर कर लिया था। उसके बाद में जब उसका PCR लिया गया तो PCR के दरमियान किए गए पूछताछ में उसने टोटल हमें चार बाइक निकाल के दी हैं, तुमसर और नागपुर में से, और चार बाइक और एक मोबाइल रिकवरी है। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा हटवार, BC News नागपुर।